चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल के ये वीडियो में आप बता देंगे जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 17 फेब का, तो जो कल का वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लोड इंपॉर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए, यहाँ पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी 15,313 पे, यहाँ पे -1 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया है, और यहाँ पे एडवांस डिक्लेयर रेशो देखे तो 26:24 देखने को मिल रहा है। तो चलिए पहले अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे कॉल राइटर या पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दे तो ऑप्शन चेन एनालिसिस को, जैसे कि यहाँ पे अगर तो 16 फेब का देखे तो 15,318 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो चलिए, अभी तो डाटा अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन देखे तो ऑप्शन चेन थोड़ा ऐड मतलब जो लाइव मार्केट में अपडेट रहता है तो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे 18 फेब का जो वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे लगा है, और जैसे 15,300 के अबाव यहाँ पे क्लोजिंग दिए, तो यहाँ पे चलते तो 15,300 के जो लेवल है यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो 15,300 का लेवल है, वहाँ पे 20,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, 45,000 का ओ एंड रेस देखने को मिलता है। इसलिए 15,300 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ और देखें तो 15,400 का लेवल है एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 30,000 वहाँ पे कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, और 50,000 वहाँ पे ओ एंड रेस देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ देखें रेजिस्टेंस तो 15,400 का एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए भी पुट साइड में चलते, और यहाँ पे पुट साइड में देखें तो कहाँ पे पुट साइड में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो 15,300 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 14,000 पुट राइटर खड़े देखने को मिल रहा है, 38,000 ऑर्डर। इसलिए ऊपर की तरफ यहाँ पे देखे तो 15,300 के लेवल पे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ जब भी अभी नीचे की तरफ आया था मार्केट, तो यहाँ पे पुट राइटर के पुट अनवाइंडिंग कहाँ तक देखने को मिलती है, यहाँ पे देखे तो जो अनवाइंडिंग नीचे की तरफ अगर देखे तो बहुत बड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली, जो कि उसको लेके गई 13,450 के लेवल है। इसके भी नीचे जैसे अच्छा खासा मार्केट एक यहाँ पे नीचे की तरफ आया, जो पुट राइटर थे उन्होंने पोजीशन अनवाइंडिंग किया, तो एक अच्छा खासा सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग देखे तो 15,050 का जो लेवल वहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो मेरे को लगता है गैप अप मार्केट ओपन हो सकता है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम चार्ट पे देखने को मिल रहा है। चलिए अभी निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे जो क्लोजिंग देखने को मिली तो काफ़ी अच्छे खासा 15,300 के अबाव क्लोजिंग देखने को मिली। तो लेवल्स अपने क्या कह रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे लगा दे, तो यहाँ पे 15 मिनट का जैसे कि मैंने बताया था ये जो जोन है अपना, इस जोन में ऐसे मार्केट ट्रेड करता रहा। जैसे कि देख सकते आज उसने जो सपोर्ट था कल के ट्रेडिंग सेशन में, जिन लोगों ने वीडियो लगाया था 15,240 का लेवल था, वही सपोर्ट लिया, आज अच्छा खासा फॉल तो किया। जब भी 15,340 के नीचे आया तो एक अच्छा खासा फॉल हुआ, उसके बाद में जब भी 15,370 के नीचे आया तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और अच्छा खासा फॉल देखने को मिला 15,240 के लेवल के यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अभी जो क्लोजिंग दिए 15,370 तक गैप अप ओपन हो गया। अगर 340 के अबाव गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ होल्डर लेवल कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देखो आज के डे हाई, जैसे कि आज का डे हाई ये जो कि 15,430 का लेवल, तो ये डे हाई आज के लिए अपन एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे जब कल अगर ये रजिस्टर निकालता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज 340 के अबाव अगर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ जो कि 15,400 या 430 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल के साथ यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए अभी तो मेरे को फिलहाल कोई लेवल नहीं दे, लेकिन अगर 275 या 240 के नीचे जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे निफ्टी का व्यू देखा, तो अभी चलिए बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लगाएंगे और बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग का देखे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 37,127 पे, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी का डाटा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अभी 37,118 के लेवल पे चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते 37,118 के लेवल पे कॉल साइड में अपन थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो 37,118 का लेवल है, वहाँ पे देखें तो 4,000 कॉल राइटर देखने, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो स्ट्रॉगेस्ट रजिस्टर या रजिस्टेंस देखें 37,200 का लेवल, वहाँ पे 7,000 कॉल राइटर है, और उसके बाद में स्ट्रॉगेस्ट रजिस्टेंस देखें तो 37,500 का है। 37,500 का लेवल निकालेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो सपोर्ट यहाँ पे पुट साइड में देखेंगे तो 4,000 यहाँ पे पुट राइटर 37,000 के लेवल पे वो खड़े है। तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो 37,000 का स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट देखने वाला, उसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो 36,900 का यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ, उसके बाद में देखें तो जो अनवाइंडिंग हुई है पोजीशन, तो वहाँ पे जो नीचे की तरफ आया था मार्केट, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिला। तो नीचे की तरफ 37,000 का
सपोर्ट है ऊपर की तरफ 37,200 का लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर और ऊपर की तरफ देखें तो 37,500 का रेजिस्टेंस है। 37,500 निकालेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है 37,000 के ऊपर। चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने जा रहा हूँ और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया 15 मिनट में और जो अपना रेजिस्टेंस था 36,481 का आज उसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, गैप अप ओपन हुआ। जैसे कि देख सकते हैं 37,000 ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। जैसे कि देख सकते यहाँ पे इसने जो गैप फिल किया जो कि गैप अप होने के बाद यह भी गैप फिल किया जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था 37,400 का लेवल, इसको भी उसने मार करके और जो आज का हाई है उसका भी मार करेंगे अपन 37,700 का लेवल। अगर 37,700 का लेवल अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निकालता है तो अच्छा खासा मोमेंटम 38,000 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। जो अभी क्लोजिंग दी है 37,000 के लेवल के ऊपर, तो इसको 37,000 का जो लेवल है इसको एक बार मैं मार कर देता हूँ जो कि ये वाला लेवल है। तो ये राउंड फिगर लेवल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग है। तो कल गैप अप होता है 37,400 का लेवल निकलता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ निकलता है तो डायरेक्टली आपको 37,800 के लेवल देखने को, लेकिन इसको बेयरिश होना है। तो इसको बेयरिश होने के लिए कौन से लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद में बेयरिश होता है तो 36,800 का लेवल है और 774 का लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो बेयरिश हो सकता है जो कि 36,481 तक आ सकता है, उसके बाद में 36,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो कोई बेयरिश मूव देखने को मिल नहीं रहा। इस तरह से देखें तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड ब्लॉक जैसे कि पोल और जैसे कि देख सकते यहाँ पे पैटर्न। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करने को देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस तरह से देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे, किस तरह से कल के ट्रेड सेशन में अपन ट्रेड कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की एनालिसिस वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि उसमें आपको बता देता हूँ किस तरह से लाइव मार्केट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं कॉल पोस्ट कर देता हूँ। और जिन लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरा जो लिंक दिया है वहाँ पे एलिस ब्लू वेयर 010 से लिंक के थ्रू मेरा अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, अदरवाइज मेरे को व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको मेरे सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। चलिए थैंक यू।